जहां पे ये अभिनंदन वाला लड़ाई हुआ, हम क्या हो रहा है और फिर यह हुआ, कबड्डी कबड्डी कबड्डी, यह हुआ। फिर अगले दिन 27 को 24 जहाज पाकिस्तान के, 8 जहाज हमारे। ये जो सेंटर में एरिया है, किल जोन, इस्लाम बोलते हैं किल जोन, जहां असली लड़ाई हुई। उन्होंने 5-6 बम गिराए, एक भी बम टारगेट में नहीं गया, पार्ट वन। एक भी उनका जहाज इंडिया में नहीं आया, पार्ट टू। तीसरा जो लड़ाई हुई, एक VIC-21 हमारा गया, एक F-16 उनका गया। वो कह रहे हैं कि अब बाद में, पहले तो उन्होंने मान लिया आगे 2 जहाज गिर गए, ये वो नहीं, आपका एक Su-30 गया, एक VIC-21 गया, हमारा कुछ नहीं गया। हम कह रहे हैं एक F-16 आपका गया। तो ये लड़ाई चल रही है, कोई ना कोई एक ना एक दिन किताब लिखेगा, शायद अभिनंदन भी लिखेगा। तो जाना चाहता, मैं ये बताना चाहता था कैसे वॉर में क्या क्या होता है। और फिर हम यारसोपा कन्वेंशन, उन्होंने सिर्फ वही जवाब दिए जो उनको जवाब देने थे। नो आई टेल यू, दैट डे आई वाज ऑन टेलीविजन फॉर 8 आवर्स। चैनल्स वाले टीवी कैमरा बदल रहे थे, मैं खड़ा था, और मैं हर मिनट, मेरे को इतना गर्व हो रहा था, इतना प्राउड था मैं, हैविंग बीन अ फाइटर पायलट ऑफ इंडियन एयरफोर्स, कि एक बंदा है जो पाकिस्तान में, ऐसी कंट्री में जहां पे बंदे को खत्म कर देते हैं, लिंच करते हैं, ब्लेड से काट देते हैं। हमको पता है बहुत केसेस हो चुके हैं, मगर कैसे वो स्टडी फ्रॉम क्लियर, आई फेल्ट वेरी प्राउड। हम सबूत से सबूत निकालते गए, एयरफोर्स में एक ब्रीफिंग दिया, चीफ आके उन्होंने भी ब्रीफिंग दिया, और पाकिस्तान ने ये मिसाइलें हमारी डाल के दिखा दी कि ये देखो मिसाइल है। इसमें भी हमने प्रूव कर दिया कि सबसे लेफ्ट वाली मिसाइल है जो अभिनंदन ने चलाई थी, उसका बम वाला पोर्शन सारा फटा हुआ है, जो सेंटर वाला पोर्शन है जो सबसे राइट में मिसाइल है। तो कुछ चीज़ें हम ट्विटर पे जो बैठे थे, हमने लड़ाई कर करके ट्विटर पे वॉर लड़ाई की, और उनसे हम ट्विटर पे जीतने की कोशिश की। बहुत से लोग, 6,000 लोग इन्वॉल्व थे इस एक्सरसाइज में। 12 जहाज को वेपन्स लगाना, जिसके अंदर सिर्फ बॉम्ब्स नहीं है, मिसाइलें वगैरह, गन्स लोड करना 12 घंटे का काम है, 12 घंटे का। 6,000 लोग थे इंडिया में। लोग कहते हैं कि इंडिया में कुछ भी करो, इंटेलिजेंस 1 मिनट में पाकिस्तान पहुंच जाती, किसी को नहीं पता लगा। 6,000 लोग, जिसमें जवान लोअर लेवल के लोग इन्वॉल्व थे उस एक्सरसाइज के अंदर, और किसी को पता नहीं लगा। आई थिंक आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस, कि एक एक सबने अपनी वाइफ को बताया, सबको जाके फॉरवर्ड बेसिस में मूव करना था। ये जो जहाज ग्वालियर से पिक ऑफ किए थे, लैंड अंबाला में किए, बात जो लोगों ने लोड किए थे उनको बाद में अंबाला जाके एक्स्ट्रा वेपन्स के साथ, अगर वो लड़ाई शुरू हो जाएगी तो अंबाला में जाके वेपन्स लोड करके फिर स्ट्राइक के लिए जाना। इतने लोग इन्वॉल्व थे, सारे रेडार कंट्रोलर, सब को पता था कुछ हो रहा है, और किसी को पता नहीं लगा। अगेन आई फेल्ट प्राउड कि इंडिया इतना वो नहीं है कि सब चीज लीक हो जाती है, कुछ नहीं लीक होता। अगर देश के लोग क्लियर हैं तो कुछ लीक नहीं होगा, होता तो कुछ और होता। तो इसलिए मैंने ये स्लाइड खास बनाई है कि जो मिराज 2000, Su-30, F-16, रफाल के बीच में क्या फर्क है। जो स्पीड है ना, सभी की जहाजों की स्पीड अब फिक्स हो चुकी है, इतना मैक 2 के नजदीक है, फर्क नहीं पड़ता थोड़ा ऊपर नीचे। मगर वेपन्स देखो, हार्ड पॉइंट्स रफाल में सबसे ज्यादा है 14, मैक्स लोड रफाल में 9,500 सबसे ज्यादा, थोड़ा स्लाइड शिफ्ट हो गई, कोई बात नहीं। मिसाइल रेंज, मिसाइल सबसे लॉन्गेस्ट रेंज की मिसाइल रफाल की है, सबसे अच्छा रेडार रफाल का। बट सिर्फ 36 नहीं, हमको मगर कोई सुन नहीं रहा है, उसके लिए मैं बाद में बात करूंगा। तो मैं इंजन ब्लू अप इन द एयर। Current state of Indian Air Force is my last part. We are okay on time, and I will just run through this part because I need more time for the question and answer thereafter. Mota mota aap dekh rahe ho, important sabko bhi kuch kuch idea hai, jisko bhi Air Force mein interest hai usko idea hai. Sabse bade mein sirf 30 squadron bach gayi hai. Kyun? Kyunki hamara ब्यूरोक्रेसी प्रोक्योरमेंट साइकिल, ब्यूरोक्रेसी सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स की नहीं होती, फौज के पास बहुत पैसा है, एक्स्ट्रा पैसा है,
स्पेयर पैसा है, एक्सपोर्ट्स ही एक्सपोर्ट्स हैं, इंपोर्ट्स बहुत कम है। विद द रिजल्ट उन्होंने आरएनडी के अंदर बहुत पैसा, उनका आरएनडी जो बजट है हमारे डिफेंस बजट के, आरएनडी का बजट ही डिफेंस बजट से जरा ही कम है हमारे डिफेंस बजट से। आप समझ सकते हो कितना ज्यादा उनका आरएनडी बजट। दो स्टेल्थ प्रोग्राम, अमेरिका के बाद पहली देश है जिसके पास दो स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम है, लार्ज सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, हर डिपार्टमेंट के वर्ल्ड के अंदर सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ यूएवी मेकर, सबसे बड़ा स्मॉल यूएवी हॉबीस्ट वाली जो यूएवी हैं वर्ल्ड का नंबर वन है चाइना, हर चीज में चाइना। सिर्फ पैसा नहीं, पॉलिटिकल इंटेंट, सेंट्रल कंट्रोल, कम्युनिस्ट पार्टी, जी जिनपिंग इज द ऑल पावरफुल प्रेसिडेंट फॉर लाइफ उसने डिक्लेयर कर दिया था। इतनी पावर है उस बंदे के अंदर, और उसने हमारे को, इसलिए हम डिफेंस पे हैं कि हमको स्पीड पकड़नी है अपने आप को उनके साथ के अंदर है, बारिंग ले लद्दाख में जो है, बाकी सारी प्लेन्स में उनकी सारी हाई ऑल्टीट्यूड्स में, मगर काफी एयरफील्ड उनकी इस तरफ भी हैं म्यांमार के उसकी तरफ, और उधर से भी आएंगे। उनको डिसएडवांटेज है हाई ऑल्टीट्यूड एयरफील्ड का, हमारे को एडवांटेज है क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड से पावर जिसके पास है वही प्लैनेट पे कंट्रोल है। ये अमेरिकन ने पहले किया था, अब चाइना ने रियलाइज किया, जिसके पास एयर और स्पेस का कंट्रोल है, सारे प्लैनेट का कंट्रोल उसके हाथ में, ये इंडिया को रियलाइज करने की बहुत जरूरत है। और उसके बाद उन्होंने कंसंट्रेट किया सारी उनकी इन्वेस्टमेंट एरोस्पेस पे, इवन नेवल इन्वेस्टमेंट एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर है, बिकॉज उसके ऊपर उनके जहाज उड़ेंगे। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, वो उन्होंने इंडिया पे जब अटैक करेंगे बहुत मिसाइलें मारेंगे, क्यों मारेंगे, क्योंकि मिसाइल को से डिफेंड करना मुश्किल है, जहाज को तो हम गिरा सकते हैं, मिसाइल छोटी होती है। वो बहुत एग्रेसिवली आगे जा रहे हैं, 3.5 गुना उनका डिफेंस बजट है इंडिया के डिफेंस बजट से, दैट्स अ बिग दिस थिंग, चैलेंजिंग। टेक्नोलॉजी में बहुत चीजें ऐसी हैं जो चाइना के पास आज तक नहीं है, इंजन टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं है, अच्छी रेडर टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं, उनका स्टेल्थ भी कहने को स्टेल्थ है, उसके बारे में लोग डाउट कर रहे हैं कि वो स्टेल्थ इतना अच्छा है कि नहीं है। उनकी थिंकिंग आर्मी सेंट्रिक है, उन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी है, वियतनाम में भी थोड़ी सी लड़ाई, कोरिया के बाद उन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, हमने तो बड़ी लड़ाइयां लड़ ली, हमने सारे वर्ल्ड की 25 एयरफोर्सेस के साथ ट्रेनिंग करते हैं, उन्होंने किसी के साथ ट्रेनिंग, पाकिस्तान के साथ और तुर्की के साथ, दो कंट्रियों के साथ वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ये मतलब देखिए कि उनके भी कुछ लिमिटेशंस हैं, और इसलिए व्हाइल दे आर पुलिंग अहेड वी डोंट नीड टू गेट डीमोरलाइज्ड। यस, ऑलवेज रिकॉग्नाइज द स्ट्रेंथ ऑफ योर एनिमी बट डोंट गेट डीमोरलाइज्ड सीइंग कि ये तो बहुत हमारे से आगे, हम तो नहीं करेंगे, वही करेंगे अगर तो पाकिस्तान उसमें घुसेगा, मगर पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई होगी तो चाइना बीच में नहीं घुसेगा, चाइना उनको सपोर्ट देगा, उनको वेपन्स दे देगा, उनको फाइनेंशियल हेल्प दे देगा, कोई और। ये जिस्ट है इस स्लाइड की, भूलिए नहीं इंडिया चाइना की ट्रेड $100 बिलियन से ज्यादा है, इंडिया को चाइना से एक दमड़ी ग्रांटनी चाहिए, पाकिस्तान चाइना की ट्रेड $7-8 बिलियन से, और पाकिस्तान को हर दुनिया से हर से पैसा चाहिए। आप बहुत डिफरेंस है, चाइना के लिए इंडिया एक मार्केट है, पाकिस्तान के लिए चाइना एक लेवल्टी है। सो इसलिए चाइना इंडिया की लड़ाई होने के चांस कम है, इसलिए टू फ्रंट और कभी कभी सिक्योरिटी एडवाइजर हमने बना दिया, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग हमारे पास पहले नहीं थी, सैटेलाइट्स पे हमारी अब रिसेट सैटेलाइट्स नहीं, पहले यूएवीज हमारे पास नहीं थी, एनटीआरओ नहीं था, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं थी, आईटीएस हेडक्वार्टर नहीं था, अंडमान कमांड नहीं बनी थी, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी नहीं थी, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड नहीं थी हमारे पास, क्या क्या हमने कर दिया उसके बाद। और अभी तो मोदी जी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी अनाउंस कर दिया। तो कारगिल रिपोर्ट में जितनी चीजें कही गई थी उसमें सीडीएस बच गया था, एक आध और छोटी मोटी चीज बच गई है, सारा कुछ हो गया, मींस देश आगे बढ़ रहा है, सिर्फ वाराणसी नहीं सुंदर हो रही, देश भी आगे बढ़ रहा है। इंडिया बहुत पीछे रह गया अनमैन्ड सिस्टम में, उसमें हमको बहुत स्पीड पकड़ने की जरूरत है, मस्ट गेट आवर एक्ट राइट। ये थोड़ी फिगर्स इधर उधर हो गई, आज के दिन में सच जो पॉइंट्स हैं, फिजिकल अवेलेबिलिटी जो इंटरनेट पे आप चीजें देखते हो, 1600 फाइटर जहाज चाइना के पास, 650 हमारे पास, पाकिस्तान के पास 450, उसमें जो मॉडर्न जहाज हैं वो
चाइना के पास 700, हमारे पास 600, पाकिस्तान के पास 180, ऐसे है। और फिर ट्रांसपोर्ट, हेलीकॉप्टर, इतना बुरा नहीं, वी कैन कैच अप। दैट्स द पॉइंट आई वांट टू मेक। बजटरी इन एडुकेशन के लिए मैं और डिटेल्स नहीं बोलूंगा, इतना बताना चाहता हूं कि जो बजट में हमको पैसा मिलता है, जो कैपिटल बजट है, जिससे नए जहाज या नया इक्विपमेंट खरीद सकते हो, वो सारा का सारा पैसा पुरानी जो पेंडिंग पेमेंट्स हैं कैपिटल बजट की, उसके अंदर चल जाता है। नई चीज खरीदने के लिए कुछ नहीं बचता। और ये सारी गवर्नमेंट को पता है, प्राइम मिनिस्टर से लेकर सारी ब्यूरोक्रेसी, सारे देश को पता है, सब डिफेंस एनालिस्ट को पता है। उसको वहां से हमको निकलना है। ये है हमारा डिफेंस बजट टू GDP कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे ये नीचे जा रहा है। ये होगा अगर ऐसे ही बजट कट्स होते हैं तो पायलट कॉकपिट में नहीं बैठेगा, बंदूक लेके नीचे लट जाएगा। सारे वर्ल्ड को आने वाली मीन्स जो अग्नि 8 है, 8000 किलोमीटर पे जाएगी। आज हम 5000 किलोमीटर तक हैं, मगर वो नीली लाइन के ऊपर हैं, आगे जा रहे हैं। तो इसलिए मतलब बी श्योर दैट इंडियन एयरफोर्स विल ऑलवेज बी देयर एंड विल कीप टचिंग द स्काई विद ग्लोरी। दूसरी स्टेटमेंट, वी इन द आर्म्ड फोर्सेस आर पेट्रियोटिक।